और अब आपको फिरोजाबाद से खबर बता देते हैं। फिरोजाबाद से खबर, युवक की सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइक सवारों ने पिस्टल से गोली मारकर युवक को मारा। आपको बता दें कि आज मृतक युवक की सगाई होनी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आज मृतक की सगाई होनी थी और कल उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास में लगी सीसीटीवी चेक कर मामले की जांच पड़ताल की गई। थाना सिरसागंज क्षेत्र के इटावा रोड नवीन मंडी के पास का यह मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद की खबर, जहां पर युवक की सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइक सवारों ने पिस्टल से गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आज मृतक युवक की सगाई होनी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब आपको बिजनौर से खबर बता देते हैं। बिजनौर से खबर, दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। मकान की विंडो लगाने को लेकर हुआ था विवाद। तीन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। मकान की विंडो लगाने को लेकर हुआ था विवाद। तीन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। थाना त्योहारा के पीर का बाजार का यह मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से एक खबर, जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। मकान की विंडो लगाने को लेकर हुआ विवाद। तीन लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना त्योहारा के पीर बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर, जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। मकान की विंडो लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है और इसके मामले कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में स्पुतनिक वैक्सीन कितनी कारगर है, इसको लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने मेदांता के डॉक्टर डायरेक्टर राकेश कपूर से। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। केयू से खास बातचीत करने के लिए मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर राकेश कपूर जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कोरोना से
एक वर्ष से अधिक लोग जूझ रहे हैं। उसके बाद लोग ने धीरे धीरे चलना शुरू किया था कि अब एक डेल्टा प्लस करके चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, जिससे लोगों में एक डर सा माहौल जो पैदा हो चुका है। हम डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहेंगे कि ये डेल्टा प्लस है क्या, इससे बचाव क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। देखिए, ये सच है कि जो आपने स्वयं कहा कि आजकल डेल्टा प्लस चर्चा में है, ये एक कोविड का म्यूटेट वेरिएंट है। इसमें खराबी ये है कि ये जो म्यूटेशन होता है ये आपके शरीर में होता है, जब वायरस भी अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है तो म्यूटेशन करता रहता है। तो इसमें जो डेल्टा प्लस है ये पाया गया है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे और कोई डेल्टा प्लस से इन्फेक्टेड मरीज आपके बगल से भी गुजर जाएगा तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो फौरन। मींस ट्रांसमिशन पुराने कोविड से इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज ये है कि ये जो वायरस है ये सीधे लंग को अफेक्ट कर रहा है। इसकी लंग के प्रति एफिनिटी जो है वो और बैक्टीरिया वायरस जो पुराने थे उनसे ज़्यादा है और इसमें सीवियरिटी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा इन्फेक्टिव हमारे लिए वायरस म्यूटेट जो है ये हो चुका है। इसमें हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत आवश्यक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर जो हम इम्यूनाइज कर रहे हैं तो क्या डेल्टा प्लस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी काम करेगी? अभी हमारे पास साक्ष्य नहीं है, बट हमारे पास कोई मेथड भी नहीं है, तो हमें अपने को वैक्सीनेट करना है। सेकेंड चीज जो आपने अभी सुना होगा, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मार्केट में रॉस से आई, उसमें भी अभी क्लिनिकल एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है कि ये एंटीबॉडीज डेल्टा प्लस के प्रति इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी। तीसरी चीज, इसके प्रति कोई ऐसी दवाएं हमारे पास नहीं है। तो दो ही चीज है, एक इम्यूनाइजेशन जिससे हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी आए, और उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कोविड रिलेटेड बिहेवियर को फॉलो करना, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना। और जब तक हम इसके युद्ध में कोविड के अगेंस्ट नहीं जीतते हैं, मेरी जनसाधारण से ये प्रार्थना होगी कि वो कोविड बिहेवियर को फॉलो करें। ये थे हमारे साथ मिलाता के वेक्टर डायरेक्टर राकेश कपूर जी, जिन्होंने बताया कि बचाव ही हर समस्या का समाधान है। तो आप कोरोना काल में घर से बाहर न जाए, पार्टी अवॉइड करें और मास्क लगाए रहें। के न्यूज से इरफान अब्बासी, लखनऊ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और केंद्र से ऑक्सीजन की मांग पर आई हालिया रिपोर्ट पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर ले। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीत जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को लगातार चौथे दिन दिल्ली सरकार के कई स्कूलों का दौरा किया और वहां जारी निर्माण गतिविधियों का जायजा लिया। दिल्ली को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार द्वारा खेलों को न सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। और इसी दिशा में उप मुख्यमंत्री ने GGSSS कोहाट इनक्लेव का दौरा कर वहां अधिकारियों को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार करने का आदेश दिया। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, मायावती ने ट्वीट के जरिए अफवाहों का किया खंडन।
AIMIM के साथ चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया है मायावती ने। यूपी उत्तराखंड में अकेले लड़ेगी बसपा, ये बात मायावती ने स्पष्ट कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए बसपा ने अफवाहों का खंडन किया है। ऐसी खबरें आई थी कि AIMIM के साथ चुनाव लड़ने की खबरों को मायावती ने खंडन करते हुए कहा है कि यूपी में और उत्तराखंड में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। सतीश चंद्र मिश्रा AIMIM के साथ चुनाव लड़ने की खबरों को बताया अफवाह। यूपी उत्तराखंड में अकेले लड़ेगी बसपा, सतीश चंद्र मिश्रा बसपा मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर बनाए गए। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, ट्वीट के जरिए बसपा ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि AIMIM के साथ चुनाव लड़ने की खबर झूठी है। यूपी उत्तराखंड में अकेले ही चुनाव लड़ेगी बसपा, सतीश चंद्र मिश्रा बसपा मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में अब बाकी चीजें भी खुल सकेंगी। अनलॉक के चरण में अब प्राधिकरण की ओर से बाकी चीजों को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब सोमवार 28 जून से दिल्ली में जिम, योग संस्थान, बैंक्वेट हॉल और होटल भी खुल सकेंगे। इन चीजों के खुल जाने से लोगों को और राहत मिलेगी। इस बारे में दिल्ली जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 जून से प्रभावी होने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देश के तहत 50% क्षमता के साथ ये चीजें खुल सकेंगी। 50 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा वाले बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, होटल में विवाह की अनुमति भी होगी। बैंक्वेट हॉल खुल जाने से लोग शादियां कर सकेंगे। कांग्रेस आला कमान राजस्थान के सियासी संग्राम का हल निकालने में नाकाम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान खत्म कराने के लिए जिन प्रदेश प्रभारी अजय मकान को माकन को जिम्मा सौंपा गया था, अब वही विवादों में आ गए हैं। माकन जिस तरह से नियुक्तियां करवाना चाहते हैं उस पर गहलोत ने नाराजगी जताई है और यही कारण है कि गहलोत पिछले एक सप्ताह से माकन से बात नहीं कर रहे हैं। माकन ने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की लेकिन सीएम उपलब्ध नहीं हो सके। उधर संगठन में नियुक्तियों के लिए माकन ने जो नाम प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखे हैं उनको लेकर पायलट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासराब को भी आपत्ति है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार शाम को कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। फरीदाबाद में तेज हवाएं चल रही हैं और बादल गरज रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली समेत राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। नेहरू प्लेस में बारिश से बचने के लिए लोग भागते हुए नजर आए जबकि कई लोग छाता लेकर सड़क पर चौते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 टीकाकरण अभियान की प्रगति पर बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अधिकारियों ने देश में वैक्सीनेशन की प्रगति पर प्रधानमंत्री को विस्तृत प्रस्तुति दी गई है। प्रधानमंत्री को आयुवाद टीकाकरण कवरेज के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम आबादी के बीच वैक्सीन कवरेज के बारे में जानकारी दी गई। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है।